लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 और 21 नवंबर को सम्मेलन करने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पंचायत सदस्य निकायों के प्रतिनिधि विधायक और सांसद के साथ में पार्टी सम्मेलन करने जा रही है, जिसके तहत रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसके साथ ही सिख समुदाय के युवाओं को भी पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए मोदी जी के समर्थन में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठन ने अपने कार्यक्रम संरचना तैयार की है और विभिन्न चरणों की तो सामाजिक दृष्टि से ऐसे मतदाता जो बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने का एक विधिवत कार्यक्रम ने तय किया है। पहले हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए हैं। उनकी तिथि भी हमने घोषित कर दी है, 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। जनप्रतिनिधि बीडीसी मेंबर से लेकर नगर पालिका के सभासद से लेकर चेयरमैन से लेकर विधायक सांसदों का कार्यक्रम होगा और उनको हम कार्यक्रम देंगे कि समाज के बीच में जाकर जो वहाँ के प्रबुद्ध जन हैं उनको पार्टी से जोड़ना है, की वोटर्स की सूची तैयार करनी है, उनको पार्टी से जोड़ना है। इस कार्यक्रम की दृष्टि से उस समाज में अपने संगठन का व्याप खड़ा हो, ये भाव हमने रखा है। इसके साथ साथ भिन्न भिन्न स्वयंसेवी संगठनों में हैं,